ये हमारे नसीब भैया मिल गए, देख लियो आए बहुत दूर से आ लिया, 3 किलोमीटर से आया, कितना दूर है। टैक्सी कॉल उठा लगा रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहा है कोई, इतना सुबह से लगा रहा हूँ, कम से कम 50 कॉल लगाए हैं, कॉल एक भी नहीं उठा रहे हैं। तो भैया अब क्या करें, मजबूरी में तो हमको जाना ही पड़ेगा बस से, और इतना लोग सब लोग फंसे हुए हैं। देखो इतना लोग हैं जाए वाले सऊदी, देखो कोई रियाद जाए कोई दमाम जाए। भैया वीजा लग गए हमारे सऊदी के, और अब हम सामान जो है सामान की तरह है, और वीजा भी लग गए हैं, देख सकते हो। अब यहाँ से भैया जो बीच में चश्मा लगा है वो हमको बैठाए हम लोग को, और कहा तो नंगे करके इधर खड़ा कर, ये 3 लोग बैठाने आए हैं, मतलब इन लोग का काम ही है बैठाने का। और ये हमारे इमरान भाई हैं, हमको मतलब हमारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इमरान भाई थोड़ा इधर देखो, देख सकते हो खूबसूरती जो है दुबई का कितना अच्छा है, और बुर्ज खलीफा जो है यहाँ से बहुत लंबा है, अगर दिखेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर। तक इसका नज़ारा जो आज मैं खुद अपने आंखों से देख लिया हूँ, ये देखो इसके अंदर जाने के लिए टाइम नहीं हमारे पास, नहीं तो मैं जाके दिखाता। आगे बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है, देखते हैं अगर हमको कवर करने को मिलेगा तो हम कवर करके आप लोगों को दिखाएंगे बुर्ज खलीफा। अभी इधर से नज़दीक है लेकिन ये बिल्डिंग के पीछे है, देखते हैं आगे क्या होता है, देखने को मिलता है कि नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखो, ये सामने दिख रहा है बुर्ज खलीफा, लेकिन अब वहाँ से नज़दीक नहीं जाएगी गाड़ी, दूर से ही देख सकते हैं भैया कि हम तो बुर्ज खलीफा देख लिए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। ये सब मैं YouTube पे ही देख रहा था, वीडियो में देख रहा था, लेकिन आज मैं हकीकत देख लिया हूँ। हाँ बुर्ज खलीफा ही है, गाड़ी वहाँ तक नहीं जाएगी, इधर ही से देख सकते हो। ये बिल्डिंग देखो, ये बिल्डिंग में जंपिंग है, इसमें जंपिंग वाला रहता है ना, जंपिंग करते हैं ईमान। ये भी जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है इमारत, ये सामने जो दिख रहा है इसमें मैं ईमान, हाँ बुर्ज खलीफा ही है। ये देखो भैया बुर्ज खलीफा, तनु दिखा दूँ बुर्ज खलीफा। तो अब आगे चलेंगे, आगे देखते हैं क्या मिलता है, देख सकते हो और दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन छोड़ के जाना नहीं, और आगे चलते हैं। ये बड़ी बड़ी इमारत, देखो ये बिल्डिंग ये है, ये है दुबई का मेट्रो, दुबई का मेट्रो चल रहा है। और ये जो दिख रहा है सामने ये स्टेशन है, दुबई मेट्रो स्टेशन। खूबसूरती जो है बहुत अच्छा है, गाइज हम पहुँचे हैं, मतलब
मतलब दुबई और सऊदी का बॉर्डर देख सकते हो, ये सब लाइट जल रहा है। दुबई और सऊदी का बॉर्डर यही है। अब हम पूरा बॉर्डर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि भैया वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसे हम अंदर से बस के अंदर से बना रहे हैं। फाइनली दोस्तों अभी हमारा जो चेकिंग था सब कंप्लीट हो गया, स्टंपिंग हो गया, फ़ोटो भी खींच लिए, फिंगरप्रिंट हो गया, सब कुछ होने के बाद अब हम लोग को सऊदी के लिए रवानगी हो गया है हम लोग का। और अब यहाँ से लगभग अभी कितना टाइम, इंडिया में तो 2:30 बज रहा होगा और यहाँ पर बज रहा है, सऊदी में बज रहा है 12 और दुबई में बज रहा है 1, यानी इसे जो है 2 घंटे 1.5 घंटे का फ़र्क है। तो मिलते हैं रियाद में। तो फाइनली हम लोग रियाद पहुंचने वाले हैं, एकदम 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे रियाद। ये रियाद में ही चल रहे हैं, ये सब रियाद ही है। ये देखो ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर सब टैक्सी वैक्सी सब ऐसा है भैया कि हम पहुँच गए सऊदीया और रियाद में पहुँचान। देख लियो भैया लगेज वगैरह कई कई जोन है, अब पीछे जोन है बस स्टैंड हुए, हम बस से हैं दुबई से। और मतलब दुबई से हम निकले रहें 2:30 बजे, दुबई टाइम पे 2:30 बजे पहुँचे रहें, लेकिन मैं मतलब निकले रहें और हम यहाँ पहुँचान 6 बजे रियाद। तब देखो हमारे पीछे पूरा ही टैक्सी स्टैंड हुए। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को ले अपडेट देते रहेंगे सऊदी का।